तो बच्चों आज हम देखेंगे रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि टू और फोर के सेंटर में क्या आता है, तो आप जल्दी से बता दोगे थ्री। टू और थ्री के बीच में इट्स 2.5। इसी तरीके से रैशनल नंबर्स के बीच में भी कुछ रैशनल नंबर्स छुपे हुए होते हैं। आज हम उन्हीं को पता करना सीखेंगे। पहले इसके दो तरीके हैं, पहले मैं आपको एक तरीका बताऊंगी। सपोज हमारे पास एक रेशनल नंबर है 1/2, दूसरा रेशनल नंबर है 1/5। इन दोनों के बीच में हमें कुछ रेशनल नंबर्स निकालने हैं। हम 1/2 को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को, तो हमें मिल जाएगा 5/10। इसी तरीके से अगर हम 1/5 का मल्टीप्लाई 2/2 से कर दें, तब भी हमें मिल जाएगा 2/10। तो हमारे पास एक रेशनल नंबर ये मिल गया, एक रेशनल नंबर हमको ये मिल गया जो कि इन्हीं के इक्वल है। देखिए 5/10 एंड 2/10। अब इनके बीच में रेशनल नंबर है 4/10, 3/10। तो ये बीच के रेशनल नंबर्स हमको मिल गए, यानी कि 1/2 एंड 1/5 के बीच के रेशनल नंबर्स हम लिख सकते हैं 4/10 एंड 3/10। आई होप आपको ये मेथड क्लियर हो गया होगा। अब हम दूसरा मेथड देखेंगे। अब हम दूसरा मेथड देखेंगे कि हम दो रेशनल नंबर्स के बीच में से एक या एक से ज्यादा रेशनल नंबर्स कैसे मिक्स प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए हमने एग्जांपल लिया है 1/2 एंड 1/3। उसके लिए हमें क्या करना होगा, 1/2 प्लस 1/3 इस पूरे का डिवाइड फिर हम 2 से करेंगे, 2 से कर देंगे। आपको मालूम है ये रैशनल नंबर्स हैं, इनके लिए हमें इसका एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा। फिर आप इसका क्या करेंगे पता है ना आपको, फिर हमें इसका इससे डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 3। ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, इट्स 3। देन अगेन द सेम प्रोसेस, इट्स 5/6 डिवाइडेड बाय 2/1। 5/6 रेसिप्रोकल हो जाएगा, फाइव अपॉन ट्वेल्व। ये हमारा रिक्वायर्ड बिटवीन नंबर्स निकल आया। यहाँ हमको इसको कह सकते हैं कि 1/2 इनके बीच में हमसे पूछ रहा है बिटवीन वाला नंबर, 5/12 आ गया। ये हमारा फर्स्ट नंबर हो गया जो हमने निकाला। अगर वो क्वेश्चन हमसे कहता है कि एक से ज्यादा निकालिए, दो निकालिए या तीन निकालिए, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। तो पहला निकल आया, अब दूसरे के लिए हमको क्या करना है, ध्यान रखेंगे कि हम पहले 1/2 लेंगे, प्लस लगाएंगे और जो हमारा आंसर निकला है उसको लेंगे, देन डिवाइडेड बाय 2 सॉल्व करेंगे, जो आपका आंसर आ जाएगा दैट इज द सेकेंड रिक्वायर्ड रैशनल नंबर जो नंबर निकल के आएगा वो होगा। थर्ड नंबर के लिए क्या करेंगे, आप किन्हीं भी दो नंबर्स को आपस में लीजिए, प्लस करिए, 2 से डिवाइड करिए और आपका रिक्वायर्ड नंबर आपके पास होगा। उसके लिए आप इन दो का भी यूज कर सकते हैं, इन दो का भी कर सकते हैं। यानी एक बात याद रखनी है, जो नंबर्स हमने पहले यूज कर लिए एक साथ उनको रिपीट नहीं करना है, उसके साथ एक अलग नया नंबर होगा जो हमने आंसर के तौर पर निकाला होगा। जैसे हमने अभी देखा कि हमने पहले इन दोनों को डिवाइड कर लिया था प्लस करके, ये आंसर आया, फिर हमने ये लिया और ये लिया, फिर इनको प्लस किया और डिवाइड किया 2 से, रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब हम इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे देन 2 से डिवाइड करेंगे,
इस तरीके से हम बिटवीन रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो, अगर नहीं हुआ है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको ये क्लियर नहीं है।